हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटल टाटिंग की एक और नई लेस की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। डिज़ाइन बताने से पहले मैं आपको उसका ग्राफ समझा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, इस रिंग से ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हुए सेमी सर्कल, ये लीफ बनाएंगे, देन ये इसकी स्टेम, फिर 5 पेटल्स का ये फ्लावर, देन फिर से चेन, लीफ और सेमी सर्कल। इस तरह से ये डिज़ाइन हम अपनी आगे बढ़ाते जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने एंकर का ऑरेंज और ग्रीन थ्रेड लिया है। एंकर ऑरेंज कलर का नंबर है 00332 और ग्रीन कलर का नंबर है 00229। देखिए, ऑरेंज कलर को मैंने अपनी शटल में भर लिया है और नीचे गोले के धागे में हम ग्रीन कलर चला रहे हैं। आपस में नॉट लगाने के बीप करते हुए बनाइए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच तक बीप कर लिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए। थ्री डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। टोटल हमें 7 पिकॉट बनाने हैं। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, लास्ट में 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए नीचे की सेमी सर्कल बनाइए। सबसे पहले 3 डबल स्टिच वीव करते हुए,
एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए। रिकॉर्ड 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच। टोटल 7 पिकॉट हमें बनाने हैं। पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद गोले के धागे को खोलते हुए अब हम अपनी सेकेंड शटल से बनाएंगे, यानी कि ग्रीन धागे से जो हम गोले पे चला रहे थे 3 डबल स्टिच। पिकॉट, ये डिज़ाइन हमें 2 शटल से बनानी होगी। 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, 3 पिकॉट बनाने के बाद 4th पिकॉट हम अपने जो हमने ये रिंग बनाया था इसके सेकेंड वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 डबल स्टिच, पिकॉट 3 और लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। टोटल 7 पिकॉट बनेंगे हमारे। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए अब हम इसकी स्टेम बनाएंगे। तो सबसे पहले 7 डबल स्टिच पास में ले जाके स्मॉल पिकॉट अगेन 7 डबल स्टिच करके ये चेन भी कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन आ गई। अब हम ऑरेंज थ्रेड से अपने फर्स्ट शटल से बनाएंगे लीफ। सबसे
सबसे पहले थ्री डबल स्टिच, ये पूरी डिजाइन थ्री डबल स्टिच बेस पे बनी हुई है। पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, थ्री पिकॉट बनाने के बाद जब हम फोर्थ पिकॉट बनाएंगे तो हमने जो ये ग्रीन पेटल्स बनाई हुई है इसके साथ हम अटैच करेंगे। दो रिंग, दो पिकॉट छोड़ने के बाद थर्ड पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। टोटल सेवन पिकॉट बनेंगे हमारे, थ्री फोर्थ को हमने अटैच किया, फिफ्थ सिक्स और एक पिकॉट अभी और बनेगा, पिकॉट और थ्री डबल स्टिच करके अब ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से ये डिजाइन आपस में अटैच हो गई। अब एक और रिंग बनाइए, थ्री डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉट्स अटैच कर दीजिए, टोटल थ्री डबल स्टिच करके सेवन पिकॉट और बनाइए। टोटल सेवन पिकॉट बनेंगे हमारे, जैसे हमने पहले रिंग में बनाया था। लास्ट का पिकॉट छोटा बनाइएगा क्योंकि अगली पेटल्स इसके साथ अटैच होगी। इस तरह से ये हमारा सेकेंड रिंग बना। थर्ड रिंग भी इसी तरह से बनाइए, थ्री डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट्स अटैच करते हुए टोटल सेवन पिकॉट बनाइए। ये हमारा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें दो रिंग और बनाने हैं आपस में अटैच करते हुए। ये देखिए हमारे पूरे फाइव रिंग्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद सेकेंड वाले शटल के धागे यानी कि ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए और चेन बनाने से पहले हम इसमें एक बीड्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की बीड्स ली हुई है वाइट कलर की। ग्रीन थ्रेड पे क्रोशे की हेल्प से इसको डाल दीजिए और इसे शटल पास कर दीजिए, ऑरेंज वाला, ऑरेंज थ्रेड वाला। ये देखिए हमारी बीच पे इस तरह से बीट चली गई फ्लावर के बीच में। अब यहाँ से हम बनाएंगे सेवन डबल स्टिच की चेन, बिल्कुल टाइट करते हुए, गैप नहीं होना चाहिए। बीच में हमने एक पिकॉट बना रखा था, उस पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। अगेन सेवन डबल स्टिच करके ये चेन कंप्लीट कीजिए।
टाइट कर दीजिए, डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो गया फ्लावर वाला। अब हम फिर से यहाँ पर एक लीफ और बनाएंगे अपनी। तो ग्रीन थ्रेड की शटल को ले लीजिए और उससे बनाइए सबसे पहले 3 डबल स्टिच। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अब हमने जो ये वाला लास्ट वाला रिंग बनाया था इसके 3 पिकॉट छोड़ दीजिए और 4th पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर दीजिए। डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, टोटल 7 पिकॉट बनेंगे। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये लीफ कंप्लीट कीजिए। एक बार चेक कर लीजिए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए और जहां से हमने ये लीप बनाई हुई है उसी के साथ इसको यहां पर अटैच कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारी यहां पर डिजाइन अटैच हो गई, दोनों लीव्स भी पास पास में आ गई हैं। अब डिजाइन को फ्लिप करके फिर से नीचे का हम सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेट कर 7 पिकॉट की नीचे की सेमी सर्कल बनाइए। इस तरह से हमारा ये रिंग कंप्लीट हुआ। ये हमारा फ्रेंड्स देखिए एक मोटिव पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम फिर से अपनी सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर से ये लीफ और फिर से ये फ्लावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे नीचे का सेमी सर्कल 3 डबल स्टिच के साथ में 7 पिकॉट। ये देखिए नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रीन कलर के शटल से बनाएंगे लीफ। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 3 पिकॉट बनाने के बाद हम ऑरेंज वाले इस रिंग के साथ में इसको अटैच करें। तो पहला रिंग छोड़ दीजिए, दूसरे रिंग के साथ इसको अटैच कीजिए। इस तरह से टोटल 7 पिकॉट बनाइए। 3 डबल स्टिच। इस रिंग को बनाने के बाद अब हम अपनी चेन बनाएंगे। तो ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेट के बनाइए 7 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए, ये चेन कंप्लीट कीजिए। ये चेन कंप्लीट होने के बाद अब हम फिर से 5 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे।
जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये देखिए मेरे 5 रिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद ग्रीन थ्रेड को फिंगर में लपेटते हुए इसमें एक बीड्स डालेंगे ग्रीन थ्रेड में। अब इसमें से अपना शटल पास कर दीजिए। शटल पास करने के बाद अब हम अपनी चेन बनाएंगे। तो फिर से 7 डबल स्टिच। 7 डबल स्टिच के बाद जो हमने पिकॉट छोटा सा बना रखा था उसके साथ अटैच कर देंगे और फिर से 7 डबल स्टिच करके ये चेन कंप्लीट करेंगे। जहाँ से हमने ये वाइट ग्रीन कलर की लीफ बनाई थी यहीं पे थ्रेड को निकाल के इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद फिर से यहाँ पर एक लीफ और बनाते हैं ग्रीन कलर की। नीचे का इस ये लीफ कंप्लीट करने के बाद अब नीचे का फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे 3 डबल स्टिच और 7 पिकॉट से। तो बिल्कुल पास में ले जाके पहले 3 डबल स्टिच। ये देखिए सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना ऑरेंज वाला ये वाला रिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच पिकॉट 3 डबल स्टिच। यहाँ से हम अपने 3 पिकॉट ग्रीन वाले के 3 पिकॉट छोड़ के 4th वाले पिकॉट में इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हम अपने पूरे 7 पिकॉट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये लेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इसको जितनी लंबी लेस बनाना चाहते हैं उतनी लंबी लेस बनाइए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। कलर का कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी नए नए डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।